हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुणों से भरपूर एलोवेरा, जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसकी बहुत ही रामबाण रेमेडी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए एक एलोवेरा लीफ को प्लांट्स में से काट लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, जब आप एलोवेरा लीफ को प्लांट से काटते हैं तो जहाँ से आप काटते हैं वहाँ से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है, तरल पदार्थ, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक है। तो आप क्या करें, इस तरह इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट तक रखिए ताकि वो येलो लिक्विड अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद साफ करके आप इसके कांटेदार किनारों को काट लीजिए पहले तो, और बीज का छिलका उतार कर इसके अंदर का जल निकाल लीजिए और इस तरीके से इसके बीज का गूदा निकाल लीजिए अच्छे से। दोस्तों, मैंने लोहे का बर्तन लिया है इस रेमेडी को बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जिसे कड़वा तेल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत गुणकारी होता है। और इसके बाद 50 ग्राम ही हम इसमें ऐड करेंगे तिल का तेल, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। दोनों तेल मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं, लेकिन आप जितना भी बनाकर इस तेल को स्टोर करके रखना चाहते हैं उतना तेल आप ले सकते हैं, और क्वांटिटी आपने बराबर लेनी है। अगर आप 100 ग्राम सरसों का तेल ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आपको जो है तिल का तेल लेना है। अभी गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, लेकिन धीमी आँच पर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी आँच पर होना चाहिए, ना मीडियम करना है और ना ही हाई करना है। लो फ्लेम पर इस ऑयल को हम तैयार करने वाले हैं, जो बालों पर मैजिक की तरह काम करेगा, बहुत ही रामबाण रिजल्ट्स देने वाला है। इसमें ऐड करेंगे दोस्तों तकरीबन 1 मुट्ठी सूखा हुआ भृंगराज। ये हमारे बालों के लिए इतना लाभकारी है कि दोस्तों इसे आयुर्वेद में खास बालों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ये बालों को काला करने में, बालों को घना और मजबूत करने में, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मैजिक की तरह काम करता है, रामबाण रिजल्ट्स देता है बालों के ऊपर। और इसके बाद दोस्तों इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच रोज़मेरी लीव्स। आप देख लीजिए, ये है रोज़मेरी लीव्स, ये भी हमारे बालों के लिए बेहद लाभकारी है। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में, बालों को घना और मजबूत करने में, बालों का झड़ना रोकने में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। ये आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगी, मार्केट में आप पंसारी की शॉप से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको रोज़मेरी लीव्स वहाँ से मिल जाए, वरना आपको ऑनलाइन तो आसानी से मिल ही जाएगी। और इसके बाद दोस्तों इसमें ऐड करेंगे, ये हमने जो एलोवेरा का जेल निकाला था वो इसमें ऐड करेंगे। ये एलोवेरा जेल जो है वो तकरीबन 1 कटोरी है। और हाँ, इसमें ऐड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेफ्टी के साथ थोड़ी सी दूरी बनाकर ही आप एलोवेरा जेल को इसमें डालिएगा, क्योंकि तेल जो है वो एकदम से चटकेगा, इधर उधर छींटे पड़ेंगे, तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेहद गुणों से भरपूर कोड़ा तुम्बा के बीज। ये बीज जो है दोस्तों बालों के लिए अमृत है, खास बालों को काला करने में ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। जितने भी गुण गाए जाएँ उतने कम है ये कोड़ा तुम्बा के बीज। कोड़ा तुम्बा का तेल भी मिलता है दोस्तों, जिसे इंद्रायणी तेल के नाम से जाना जाता है, वो बहुत महंगा मिलता है। बालों को काला करने में इंद्रायणी का तेल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, तो इस सेल में हम इंद्रायण के अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी लेने वाले हैं, जो बालों को काला करने में बेहद गुणकारी हैं। और इंद्रायण के बीज जो हैं दोस्तों वो तकरीबन 4 चम्मच थे, ठीक है। इंद्रायण के बीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और पंसार की शॉप से भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको ईज़िली मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंद्रायण का जो फल है, कड़वा फल है, वो खेतों में, नहरों के आसपास, तालाब के आसपास आसानी से मिल जाता है। अच्छा, लगातार चलाते हुए हम इस ऑयल को तैयार करेंगे दोस्तों। इस ऑयल का इस्तेमाल 12 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में, हर रेमेडी में इसे दोहराती हूँ कि किस एज से लेकर किस एज की व्यक्ति इस रेमेडी को लगा सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं कि मैम मेरी एज 12 है, 15 है, 17 है, 25 है, 30 है, तो बताइए हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर रेमेडी में आपको बता देती हूँ कि इस एज के व्यक्ति से लेकर इस एज के व्यक्ति लगा कर ले सकते हैं।
और काफ़ी रेमेडीज़ के कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लोग ये कमेंट्स करते हैं कि मैम आपकी रेमेडी को हम दाढ़ी मूछों के बालों पर लगा सकते हैं, तो इस ऑयल को आप अपने दाढ़ी मूछों के बालों पर भी लगा सकते हैं। और आप अगर मेरी किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको मार्केट की डाई बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, वरना आपको मेरी किसी भी रेमेडी का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप बालों को कलर करना चाहते हैं तो मेहंदी पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक मेहंदी के पैक जो बालों को पोषण देने में बहुत कारगर हैं उनका इस्तेमाल करके आप बालों को कलर कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑयल को हम पकाएंगे धीमी आंच पर दोस्तों, जब तक आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर कि ऑयल में जो बबल्स फूल रहे हैं तो झाग देख रहे हैं दोस्तों, वो फ्रेश एलोवेरा जेल की वजह से है, उसके मॉइस्चर की वजह से। जब तक ये झाग अच्छे से तेल में पक ना जाए, तेल में से बिल्कुल गायब ना हो जाए, तब तक हम इस ऑयल को पकाते रहेंगे। अगर इसे बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाया तो ऑयल हमारा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, वो ख़राब हो जाएगा। तो एलोवेरा जेल का जो मॉइस्चर है वो हमने बिल्कुल जो है ऑयल में पकाना है, सिर्फ ऑयल मिलना चाहिए, इसकी झाग बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए। और इस ऑयल को पकाने के लिए दोस्तों कम से कम 20 मिनट लगेंगे। धीमी आंच पर इस ऑयल को पकाते रहिए लगातार चलाते हुए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं झाग बिल्कुल चली गई है, सिर्फ ऑयल बचा है। और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं ऑयल को पकाते हुए, और अभी गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस ऑयल को हम तकरीबन जो है 2 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद छान कर एक कांच की शीशी में ट्रांसफर करेंगे। अभी दोस्तों एक कांच की शीशी लीजिए, वो क्लीन हो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पानी ना लगा हो। अगर पानी लगा होगा तो ऑयल हमारा छेती खराब हो जाएगा। अभी इस ऑयल को हम इस कांच की शीशी में ट्रांसफर करेंगे छान कर। तो बालों के लिए गुणों से भरपूर हमारा हर्बल ऑयल तैयार है। इस ऑयल को दोस्तों आप रेगुलर लगाइए, रोजाना जैसे आप लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हफ्ते में 2 बार इस ऑयल से मसाज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप रात को सोते समय इस तेल से अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से चम्पी करते हैं और सुबह अपने बालों को धो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन रात को लगाना आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बाल धोने से कम 1 घंटा पहले इस ऑयल से अच्छे से चम्पी कीजिए, मसाज कीजिए बालों की जड़ों पर हफ्ते में 2 बार। बाकी आप रेगुलर रोजाना लगा सकते हैं। बालों को काला करने के लिए, बालों का झड़ना रोककर, बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, घना मजबूत करने के लिए इस ऑयल का आप पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।